बिहार डीएलएड परीक्षा जो 5 जून से 15 जून के बीच होनी है और इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। जी हाँ, बहुत सारी समस्याएं हो रही है। स्टूडेंट का स्टेटस इनकम्प्लीट लिखा रहा है, नॉट सबमिटेड लिखा रहा है, और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाते हैं तो डमी एडमिट कार्ड ही डाउनलोड हो जाता है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। लगभग 90% स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि ये प्रॉब्लम है, इसको किस तरह सॉल्व किया जाए। तो चलिए, इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर मैं आपके सामने आया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिहार डीएलएड परीक्षा 2023 में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन जब भी वो लिंक पर क्लिक करते हैं 2023 डीएलएड परीक्षा के एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए, तो उनका कुछ इस तरह का दिखाता है कि स्टेटस आपका इनकम्प्लीट है या नॉट सबमिटेड है। कुछ इस तरह से दिखाता है स्टेटस इनकम्प्लीट या नॉट सबमिटेड, या फिर वो जो भी लॉगिन है उनका यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर, यहाँ पर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड का जो कॉलम बना हुआ है, ये यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं फिर लॉगिन करते हैं तो एडमिट कार्ड डाउनलोड तो होता है। इस तरह का कुछ वेब पेज आता है और उनका स्टेटस इनकम्प्लीट और नॉट सबमिटेड लिखा रहा है। लगभग 90% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट करके बताया कि उनके साथ ये समस्या आ रही है। और जब ये डाउनलोड एडमिट कार्ड का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देता है और इस पर आप डाउनलोड करते हैं तो डमी एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो रहा है। तो डमी एडमिट कार्ड से तो आपको प्रवेश परीक्षा में ये एंट्री मिलेगी नहीं, तो किस तरह आप अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और इससे क्या और किस तरह आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। एक डायरेक्ट लिंक आपको मैं आज के इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा और साथ ही साथ एक और बात बताऊंगा ताकि आप अपना एडमिट कार्ड जल्द से जल्द एक क्लिक में हासिल कर पाए और अपनी अपनी परीक्षा को दे पाएँ। तो कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जिन लोगों का भी ये स्टेटस इनकम्प्लीट या नॉट सबमिटेड दिखा रहा है उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये उनकी गलती नहीं है, ये वेबसाइट में कुछ एरर है जिसकी वजह से ये स्टेटस इनकम्प्लीट या नॉट सबमिटेड लिखा रहा है। जबकि आपने फॉर्म जमा किया, आपने उसका जो भी फ़ी था 960 रुपये या जो भी आपको लगने थे कैटेगरी के हिसाब से आपने वो दिया था, अब उसके बाद अगर आपका स्टेटस इनकम्प्लीट या नॉट सबमिटेड लिखाता है, जबकि फॉर्म भरने के वक्त में आपका फॉर्म सबमिटेड आपका आ गया था, मैसेज आ गया था कि आपने सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट कर दिया है, तो फिर ये स्टेटस ऐसा क्यों दिखा रहा है और एडमिट कार्ड डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है। तो चलिए, घबराने की कोई बात नहीं है। एक लिंक, डायरेक्ट लिंक जो कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहाँ पे जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आपका खुलेगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। और आप वीडियो को पूरा देखें, सिर्फ लिंक पर क्लिक कर देने से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। एक और बात है जो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा, तभी आप अपना एडमिट कार्ड ले पाएंगे। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस तरह से आपको ये पेज दिखाई देगा, इसमें नीचे आना है, आपको साइन इन करना है, लॉगिन आईडी जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, वो यूज़र आईडी, वो लॉगिन आईडी वही हुआ आपका, और उसे आपको यहाँ पे फिल कर देना है और फिर उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। जी हाँ, तो पासवर्ड आपने जिस वक्त फॉर्म भरा होगा तो एक ईमेल आपके पास आया था कि जिसमें पासवर्ड आपका कुछ 6 और ABC और कुछ अल्फ़ाबेट और नंबर्स मिले हुए थे, वो पासवर्ड आपको नहीं डालना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड कौन सा डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। अब अगर डेट ऑफ बर्थ भी किस तरह डालना है ये भी आप देख लीजिए, अगर कोई 4 अगस्त 1994 में किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो वो कैसे डालेंगे, 4 अगस्त, ये जो दिन है इसको भी 2 डिजिट में डालना होगा, तो 4 को लिखेंगे 04, अगस्त 8वां महीना है तो सिर्फ 8 नहीं लिखेंगे, 08, 2 डिजिट में होना चाहिए। और फिर ये जो आपका ईयर है इस ईयर को आप पूरा डालेंगे 1994, तो यही आपका क्या हो जाएगा, पासवर्ड हो जाएगा। इस पासवर्ड को आपको इस पासवर्ड के कॉलम में फिल करना है और फिर उसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इस कैप्चा कोड नीचे फिल कर देंगे। ये कैप्चा कोड जो आपको दिखाई दे रहा है, कैप्चा कोड फिल करने के बाद ये जो NMYZE2 और ये हमेशा बदलता रहता है, जो भी कैप्चा कोड आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा उस कैप्चा कोड को आप यहाँ पर डालेंगे, लॉगिन करेंगे, तब आपका एडमिट कार्ड, ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपको दिखाई देगा। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊँगा, तभी आप एडमिट कार्ड
डाउनलोड कर पाएंगे और उसका प्रिंट निकल पाएंगे। तो वो ये है कि किसी बहुत सारे मोबाइल्स पर जो हो रहे हैं वो प्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आपका पीडीएफ एडमिट कार्ड का पीडीएफ सेव नहीं हो रहा है। तो आप इसे लैपटॉप या कंप्यूटर पर खोल लें, वहाँ सेव कर लें, फिर पेन ड्राइव या किसी भी तरह से पेन ड्राइव में लेकर या किसी और तरह से आप उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका, आपके प्रॉब्लम्स जो भी समस्याएं हो रही थी एडमिट कार्ड से रिलेटेड, उसका सॉल्यूशन। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और अपनी परीक्षा अच्छी तरह दें। तो धन्यवाद।